वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी है। फाइनेंस रवियन ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शेराजी, शहजाद सलीम शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुसद्दिक ज़ुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर, सलमान अहमद एडवाइजरी काउंसिल में शामिल हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी है। फाइनेंस रवियन ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शेराजी, शहजाद सलीम शामिल हैं। इसके अलावा मुसद्दिक ज़ुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर, सलमान अहमद एडवाइजरी काउंसिल में शामिल हैं, वो इसका हिस्सा हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। आपके बता दें कि इस सिलसिले में ज़रूरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी है। फाइनेंस रवियन ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शेराजी, शहजाद सलीम शामिल हैं। इसके अलावा मुसद्दिक ज़ुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर, सलमान अहमद एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा हैं। इरशाद अंसारी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी इरशाद, बताइएगा कि बुनियादी मकसद क्या है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील का? जी, बुनियादी मकसद तो यही है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो है, जो इक्तिसादी इस्लाहात का एजेंडा है और जो IMF के साथ जो रिलेटेड तमाम जो कंडीशंस है उसको जो है वो खुद मॉनिटर करना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कैबिनेट की मीटिंग हो या FBR के इजलास हों या फाइनेंस मिनिस्ट्री से मुतलक मामला हों, उसको खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं और उनके इजलास भी चेयर कर रहे हैं, उनको बुला के जो है वो खुद से जो है वो ब्रीफिंग भी ले रहे हैं। और जिस तरह ट्रैक एंड ट्रेस का मामला था उस पर भी उन्होंने खुद से एक्शन लिया और फिर उसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया, फिर इंक्वायरी के बाद जो उस पर खामियां हैं उसके जिम्मेदारों का तयन करने के लिए भी उन्होंने खुद कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट आने पे फिर उनके खिलाफ एक्शन का भी उन्होंने कहा। तो यही ये उसी तनाजर और तसलसल की एक कड़ी है। वज़ीर आज़म ने जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है वो तश्कील दिया, इसमें जो है वो फाइनेंस डिवीजन ने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तश्कील का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें वज़ीर आज़म इसके जो है सरबराह होंगे और इसमें वज़ीर आज़म इसके सरबराह होंगे। बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।